हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग शैप्स। और गाइस, आज मैं कोई टेक अपडेट लेकर नहीं हूँ आपके सामने, बल्कि आज मैं कोई अच्छी सी एक न्यूज़ लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, खासकर जो कि घरेलू औरतें हैं, जो कोई काम नहीं करती हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तो गाइस, आज मैं बात करूँगा स्विगी की। अब आप कह रहे होंगे कि स्विगी के बारे में बात क्यों कर रहे हो भैया, स्विगी के बारे में तो हमें पहले से ही पता है। बट गाइस, स्विगी ने एक नई ऐप लॉन्च करी है जो कि है स्विगी डेली करके। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छी ऐप है और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता लगे कि आप कैसे घर बैठे बैठे, खासकर जो औरतें हैं घर की जो कोई काम नहीं करती हैं, हाउस वाइफ है और उन्हें खाना बनाने का शौक़ है। तो गाइज, बात करें तो बताना चाहूँगा पहले कि स्विगी के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा पहले हिस्ट्री चलते हैं कि स्विगी ये लॉन्च हुआ था 2014 में गाइस, हर्ष भाटिया के द्वारा, और तब से काफ़ी ज़्यादा मार्केट गेन करी है स्विगी ने। देखा जाए इंडिया के अंदर तो नंबर वन फूड डिलीवरी ऐप है, इसने जोमेटो को और ऊबर ईट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इन जो स्विगी ऐप यूज़ करते हैं लोग, सबसे ज़्यादा लोग ऑर्डर करते हैं फूड स्विगी ऐप से, और तब से ही मार्केट गेन करी है। और स्विगी ने गाइस अब लॉन्च कर दी है स्विगी डेली। तो इसमें गाइस, जो भी औरतें घर बैठे बैठे खाना बनाना पसंद करती हैं और वो अपना खाना, अपना टैलेंट जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो ये सबसे अच्छी ऐप है गाइस, स्विगी डेली करके। इसमें गाइस, आप अपना खाना जो है वो टिफ़न वेंडर्स के द्वारा या जो ऑर्गेनाइजर्स वेंडर हैं उनसे टाई अप करके आप अपना खाना डिलीवर कर सकते हैं, उन लोगों को खिला सकते हैं घर का खाना, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि स्विगी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सभी को। और जो भी इन चीज़ों में लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग अपना जो खाना है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपना स्वाद जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बैठे बैठे घर में पैसा भी कमा सकते हैं गाइस। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। बात करें कैसे वर्क करेगा गाइस और कहाँ अभी एक्टिव है, तो गाइस स्विगी का ऑफिस जो है वो दिल्ली की मैं बात करूँ तो वो गुड़गांव में है, और अभी ये सर्विस गुड़गांव में ही शुरू हुई है और आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि ये मुंबई और बैंगलोर में भी शुरू होगी और दिल्ली NCR में भी शुरू हो ही जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है ये, बस अब हमें वेट करना पड़ेगा गाइस। अगर गुड़गांव में लोग रहते हैं, मेरे भाई बहन या मेरे दोस्त, अगर वो ये यूज़ करते हैं स्विगी ऐप, तो स्विगी डेली ज़रूर यूज़ करिए गाइस। और अपने जो भी अपने आपके फ्रेंड्स हैं आपके, अगर आपकी मदर को शौक़ है खाना बनाने का और लोगों तक पहुँचाने का, तो इससे बड़ा और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। और बात करें गाइस, इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन भी लोग ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं और पर डे की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि लोगों को कितना खाना पसंद आया और कितना नहीं आया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्विगी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है। और साथ ही साथ गाइस, आप इसमें सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही अभी बना के आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं पहुँचा पाएंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है अगर ये अच्छा काम करे ऐप तो लोग स्विगी शायद नॉन वेज खाना भी इंट्रोड्यूस कर दे, बट अगर वेज खाने की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है वेज खाने में भी, और आप अपना खाना लोगों तक पहुँचाएँ और उसके बाद आप पैसा भी कमाएँ घर बैठे बैठे, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो गाइस, मैंने ये वीडियो इसीलिए ही बनाई है कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँ, और आप प्ले स्टोर पर जाके स्विगी डेली ऐप डाउनलोड करिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं गाइस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, गुड बाय।